हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। और आगे एक नए व्लॉग के साथ, नए व्लॉग के साथ आगे। और आज लाइट है ही नहीं, सुबह से जब से हम पूरे उठे लाइट कराची ही नहीं में है। लाइट ही नहीं है, लाइट नहीं, पूरे पाकिस्तान में मैंने पता न्यूज़ नहीं देखी क्या, थी। वैसे तो कभी इतना लंबा। मैंने न्यूज़ देखी थी, काफ़ी शहरों में लाइट नहीं है और कराची में कई इलाकों में नहीं है, कई इलाकों में लाइट है और सुबह से गई हुई है और तकरीबन। मेरे मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं है। और इत्तेफाक देखो, आज मैंने चार्ज भी नहीं किया। मैंने बोला रोज है ना, मैं सुबह में करती हूँ, तो लाइट थी ही नहीं, तो लाइट वही नहीं हुआ, चार्ज नहीं हुआ। चार्ज नहीं हुआ तो फिर मैंने बोला इसी इसी और रात मोबाइल को पे अभी लोग आए थे। और इसी चैनल मोबाइल पे मैंने बोला चलो जी वीडियो बना लेते हैं, फिर हाँ, बनानी तो है। तो आज एक रूटीन शेयर करने वाली है मैं अपनी प्रेगनेंसी में, जो मैंने आपके साथ शेयर कभी नहीं की। वैसे पहले मैं शेयर मतलब बनाती थी, लगाती थी, लेकिन उसके बाद कभी टाइम ही नहीं मिला। तो आज मैं करूंगी अपने हेयर रिमूव। वो भी किसके साथ करूंगी वो भी मैं आपको बताती हूँ, बना के ये दिखाऊंगी। देखिए जी, हेयर जो है ना इसके, मैंने मैं वैक्स इसके वगैरह भी नहीं की और ना वैक्स ही, करवानी भी नहीं चाहिए प्रेगनेंसी हाँ, में। प्रेगनेंसी में वैक्स भी नहीं करवानी चाहिए। और फेशियल तो मैंने करवाया ही नहीं, कितना टाइम। मुझे लास्ट टाइम मैं जब वहाँ पे गई थी ना, क्या नाम है जगह का, नाम नहीं आ रहा मुझे, खानपुर, कानपुर, वहाँ पे मैंने लास्ट टाइम फेशियल करवाया था। उसके बाद ना मैंने ब्लीच, ना मैंने फेशियल वगैरह कुछ नहीं किया। तो एक बहुत प्यारा मैं आपके वो क्या कहते हैं वो लेकर आई हूँ, छोटा सा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो अभी मैं बनाती हूँ, रोल लगा के दिखाती हूँ। मिक्सर मिक्सर, हाँ, चलते हैं जी किचन नाम में, नहीं आ किचन रहा की था। तरह बनाते हैं। और लाइट नहीं, देखो अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। तो मैं किचन में बना के दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे ये लोग पढ़ रहे हैं। पापा ने काम कर हाँ, रहे। कर लो काम। तो इससे ये है कि आपके फेस के जो बाल है ना वो खत्म हो जाएंगे। एक बार में नहीं, दो तीन बार आप मतलब मास्क लगाएंगे अपने फेस पे इसका बना के, तो फिर आपके जो फेस के बाल है ना वो खत्म हो जाएंगे। और शाइनिंग भी बहुत ज्यादा आती है इसे। और एलेंस पड़ा है, उसका मूड भी अच्छा नहीं, तबीयत भी सही नहीं है। तो ये दो तीन चीजों का है, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त है, आप ट्राई करिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। एक बार ट्राई करें फिर कमेंट्स में मुझे बताना कि ये कैसा है, ये कोई नुकसानदेह नहीं है। दूध आप कोई सा भी ले सकते हाँ, हैं, कोई सा भी फ्रेश ले सकते हैं, पैकेट वाला कोई सा भी जो आपको मतलब सही लगता है। तभी मैं आपके सामने बनाती हूँ लाइव। तो आप लोग कहते थे ना अपनी स्किन रूटीन शेयर करो, वैसे तो इतनी खूबसूरत नहीं है मेरी स्किन, लेकिन फिर भी मैं शेयर करूंगी आपके साथ। ये कितने चम्मच लिए? हाँ, ये मतलब आप अपने फेस के हिसाब से कितने बना चम्मच सकते हैं। लिए? दो वैसे मैंने दो दो लिए, बड़े बड़े वाले दो लिए। नहीं, तीन थे मैंने देखे थे। मतलब तीन नहीं थे, है छोटा चम्मच है ना ये। अच्छा, और ये है बेसन, इधर नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, तो दो चम्मच इसके बेसन के लेने, सही। तो अभी हम डालेंगे हल्दी। तो हल्दी आपने डालनी है एक चम्मच भर के। तो अगर दूध कम पड़े तो आप मतलब बाद में भी डाल सकते हैं। वैसे इसका बनाना है हमने मार्क्स, मार्क्स आपको पता है इतना लिक्विड वाला भी नहीं होता, नॉर्मली होता है। अब देखो जैसे इसमें दूध थोड़ा सा कम पड़ गया, तो मैं थोड़ा सा और डालूंगी। तो मैं तो मतलब बहुत कम वैक्स वगैरह कराती हूँ, अभी तो मैं सोच रही मैं छोड़ ही, तो मैं इसके साथ ही मतलब वो किया करूंगी ना। तो ये आप दो दिन छोड़ के, तीन दिन छोड़ के लगा सकते हैं, ये कोई नुकसानदेह नहीं है, इसके अंदर कोई केमिकल वगैरह नहीं है। ये एक मतलब एक टोटका है, टोटके आपको पता है नुकसानदेह नहीं होते, अगर जो हम घर में बनाते खास करके। तो थोड़ा सा ऐसे और पतला करूंगी ताकि मेरे फेस पे ना अच्छे से अप्लाई हो जाए, और सर्दी भी बहुत हो रही है और ये लगाने के बाद मुझे और ज़्यादा लगेगी। ये देखिए अभी लिक्विड सा बन गया है ना इसका, इसको ज्यादा ना पतला करना है और ना ही इतना मतलब वो करना है। बच्चे हमारे पड़े हैं इसलिए शोर हो रहा होगा। सर्दी में वैसे फेस पे कुछ लगाने को दिल तो नहीं करता, लेकिन क्या करें, अभी लगाना पड़ता है, जाहिर सी बात है, फेस अगर ज्यादा खराब हो तो फिर करना पड़ता है। चलो ये हो गया अच्छी तरीके से मिक्स, और इसके अंदर लगाऊंगी मैं ब्रश। तो अभी करती हूँ उस शीशे की तरफ चलते जहाँ पे बैठती है हमारी चिड़िया, तो वहाँ बैठ के मैं लगाऊंगी इसको। चलो चले जी, ये रेडी हो गया और अभी ये लगाने अच्छा लगे। लग रहा है ना ये हल्दी। हाँ, पहले के जमाने में लोग हल्दी लगाया करते थे, हल्दी और बेसन लगाया करते थे। चले जी, यहाँ पे आ गए शीशे में और देखते हैं, मैं बस यहाँ पे लगाती हूँ। बहुत गंदा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हमारी चिड़िया है ना वो गंदा रखती है, इसको मैं क्या करूँ, और धूप होती तो मैं ऊपर चले जाती। तो इसको मैं लगाने लगी, मुझे सर्दी भी लगेगी लेकिन मैंने लगाना जरूर है क्योंकि मेरे फेस पे हेयर बहुत, और मैंने कुछ भी नहीं लगाया, कोई क्रीम वगैरह भी इस टाइम कुछ भी नहीं लगाया। मैंने मुंह धोया है, तो मुंह धोने के बाद फौरन से मैं इसे अप्लाई करूंगी। ओह वाओ, और इसकी खुशबू मुझे बहुत प्यारी लग रही है।
अरे बाद में उतारना कैसे, मुंह धोना? इसको उतारना, मुंह नहीं धोना, इसको ऐसे रब करना है हाथों से, जोर जोर से करना है, ताकि जो हमारे बाल है ना, जो बेबी बाल हमारे फेस पे आ जाते हैं तो वो झड़ जाएंगे। तो ऐसे लग रहा हल्दी लगा रही हूँ। शादी हो रही है? नहीं, शादी एक बार हो रही है, बार बार थोड़ी, जरूरी शादी होती तो बंदा फ्री लगाता है, ऐसे नहीं लगा सकते। नहीं, ऐसे भी लगा पार्लर में लोग मास्क बना के लगाते हैं कि आपकी रोज शादी होती है क्या? नहीं, ये हल्दी वल्दी है ना? नहीं, तो ये अच्छी है ना, हल्दी तो फेस के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा। और प्रेगनेंसी में ज्यादा हैवी चीजें यूज नहीं करते फेस के लिए, इसलिए ना मैंने ज्यादा हैवी ब्लीच वगैरह नहीं लगाती, उससे ना फिर मतलब रैशेज हो जाते हैं मुझे ज्यादा। तो इसको लगाने के बाद आपने बोलना नहीं है जब ये सूख जाएगा खास करके। लेकिन ये सारा ट्यूटोरियल जो है आपके साथ करूंगी मैं शेयर, बताना तो है ना ये कैसे कैसे अप्लाई करना है। ये ब्लीच से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट। अभी बोलना नहीं है? नहीं, अभी नहीं, अभी तो बोल सकते हैं, जब ये सूख जाएगा जब नहीं बोल सकते। अच्छा, बोलना नहीं? हाँ, तो इसको अगर और मैं वो लगाऊंगी देखो जी पढ़ रहे हैं, एक दो बार लगाऊंगी तो दोनों एलन से नुकसान बहुत करता, इतना पढ़ता नहीं जितना वो करता। हाँ, लेट के लिख रहा है वो कल इनको बुक्स वगैरह मिली है ना, तो उनके साथ थोड़ा सा बिजी है। वही मेरा फेस बहुत ठंडा हो गया, हवा आप रख नहीं सकते फ्रीजर में क्योंकि अभी तो मौसम ठंडा है, ये कौन सा खराब हो जाएगा। एक दो बार मतलब लगाएंगे ना तो फेस के जो बाल है ना बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, वो नहीं करनी पड़ेगी, ब्लीच वैक्स वगैरह ये वो ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। ब्लीच से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। तो ये मैंने कर लिया अच्छी तरीके से पलाए, तो इसका करते हैं सूखने का इंतज़ार। चलें जी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ड्राई हो गया और मैं वैसे बोल नहीं सकती क्योंकि बोल सकती हूँ ना, मैं हंस सकती हूँ, हंसी आ रही लेकिन स्मेल दो, स्मेल दो। अभी इसको कैसे रिमूव करना है? इसको ऐसे हाथों के साथ करो, थोड़ा सा होगा, मैं ऐसी जगह पे खड़ी हूँ यहीं से मैं हाथ में उठा लूँगी। सही है, इसको रिमूव करो और देख। इसे थोड़ी सी दर्द भी होती है लेकिन ये के बाल जो है ना निकल जाते हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। हल्दी तो वैसे ही फेस के लिए बहुत अच्छी है। ओह वाओ, चिट्टी चिट्टी। अभी तो एक ही बार लगाया, जैसे एक दो बार और लगाऊंगी ना तो फेस भी वाइट हो जाएगा। ये दिखाना जरा, फोरहेड दिखाना जरा, ये देखिए जी कैसे रिमूव हो गया। एक मिनट रुको तो सही, ये देखिए कैसे साफ हो गया। हाँ, इसको मसलो सही से, वो ये कलर कैसा फेयर हो गया। जब पहले बच्चे हुए थे यही चीज़ें इस्तेमाल करती थी, पर नहीं स्किन जो है ना शेयर की, मतलब कि तब यूट्यूब पे नहीं थे। हाँ, यूट्यूब पे नहीं थे, मेरे बालों पे भी लग गए। कोई नहीं, बाल भी चिट्टे हो जाएंगे। नहीं, ये दो एक मरतबा से नहीं लगाने से ना खत्म, ये आप हर दो दिन के बाद लगा सकते हैं, दो तीन दिन के बाद, ये जितना लगाओगे उतना कलर वाइट होगा, पर मेरे पास टाइम ही नहीं होता इसलिए मैं ना। चले जी, रिमूव करके फिर आप लोग को दिखाते हैं। हाँ, जी सारे हो गए हैं हेयर रिमूव, अभी कुछ हुए हैं, कुछ हुए हैं, दिखाना दिखाना, ये देखो कुछ हुए हैं कुछ नहीं हुए। हाँ, मतलब जैसे एक दो बार और करूँगी ना, जैसे कल का दिन छोड़ के परसों में एक और बार लगाऊंगी, फिर एक और बार लगाऊंगी, फिर ये जो स्किन जो है ना बिल्कुल क्लियर होगी ना, फिर भी अभी मुंह धो के आ जाओ ना फिर पता चलेगा, अभी तो येलो येलो सारा हो रहा फेस। तो ये हल्दी जो है ना फेस के लिए वैसे ही बहुत अच्छी है, बेसन जो है ना वैसे कड़क कर देता है फेस को, जब आप ऐसे ऐसे करते हैं ना तो जो बेबी बाल होते हैं वो सारे ही झड़ जाते हैं, उतर जाते हैं, तो वैक्स की जरूरत नहीं पड़ती। दिखाओ दिखाओ। हाँ, अभी तो मैंने एक महीना हो गया, मैंने ना ब्लीच वैक्स वगैरह कुछ भी नहीं किया ना मैंने करना है, अभी मैं इसी के साथ क्लियर करके अपना पूरा फेस जो है ना मैं आपको दिखाऊँ। चलो दिखाओ। हाँ, तभी मैं धोने लगी हूँ, तो ये पहले यहाँ से उठा लूँ मैं, आपके सामने भी मैंने मुंह धोया है तो सर्दी लग रही है, हाथ भी ठंडे हो गए हैं,
तो ये कि मतलब मुंह जब धो रही थी ना हल्की हल्की सी हो रही थी जलन, वो इसलिए क्योंकि जब आपके हेयर मूव होते हैं तो फिर उसके बाद मुंह धो तो फिर पता चलता है कि वाकई फेस पे कुछ हुआ है। तो भी ड्राई इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अभी भी मुंह धोया तो आपको दिखा रही हूँ। चले जी यहाँ पे करते हैं व्लॉग का हम, हाँ एंड करते हैं। तो ये एक दो दिन मैं और लगाऊंगी तो बिल्कुल क्लियर करके मैं आपको दिखाऊंगी, फिर आप लोग भी ट्राई करिएगा। ये कोई नुकसानदेह नहीं है, ये बहुत फायदेमंद है, तो घर पे लाजमी ट्राई करिएगा। तो उम्मीद करती कि आज का जो मेरा ट्यूटोरियल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो यूँ ही आपने हमें करना है दुआओं में याद, मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे से कमेंट्स, है ना दुआ। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय।